वालेकुम हमारा आज का लेक्चर एक ऐसी टर्म पर है कि अगर हम प्लांट ब्रीडिंग की कोई भी बुक देखें तो हमें वो टर्म लाज़मी मिलेगी और एक नहीं कई मरतबा मिलेगी सो so लेट्स मेरे पास बुक है ब्रीडिंग फील्ड क्रॉप और उसमें मैं सर्च करता हूँ मेल स्टीरिलिटी कितने टाइम्स आई हैं लेट्स वन हंड्रेड फोर्टी टाइम्स ये शो कर रहा है इसी तरह प्लांट ब्रीडिंग की बुक्स में यह टर्म बार बार यूज होती है तो मैं हूँ हमजा बिन इन सारी जरूर आज मैं आपको लेक्चर दूंगा मेल सिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग आज के लेक्चर में मैं आपको डिफाइन करूंगा मेल सिलिटी एंड फीमेल सिलिटी इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टर्म्स एंड फ्लावर स्ट्रक्चर रोल ऑफ मेल सिलिटी फॉर अ प्लांट ब्रीडर टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेल सिलिटी एंड एक्सप्लेनेशन न्यूक्लियर एंड प्लाज्मा जीन्स मेल सिलिटी जीन एक्शन प्लान एंड हाउ टू मेनटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलिटी दीज आर द डिफरेंट रेफरेंस बुक्स फॉर दिस टॉपिक और नीचे मैंने पेज नेप भी मैंशन किया है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए male sterility uh, male is a gender and sterility comes from sterile means unable to produce young ones so male sterility definition is the sterility due to the failure of functional anthers or pollen Let's see, this is a flower structure this is anther और एंथर हमें पता है जब एंथर ओपन होता है तो उसमें पोलेंस निकलते हैं तो जब ये ही स्टेराइल होंगे ये इनका फंक्शनल जो है परफॉर्म नहीं करेंगे तो इन दैट केस दिस टर्म इज मेल स्टेरिलिटी तो फीमेल स्टेरिलिटी की तरफ आ जाते हैं फीमेल स्टेरिलिटी द स्टेरिलिटी ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ फंक्शनल ओवरीज और एग्स अभी जरा फ्लावर के डायग्राम पे देखें दिस इज ऐवरी दिस इज अव्यूल से ये एम जो शैक है इसको जूम अप करें तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ये एक्सेल्स होते हैं यानि कि हमारा सीड नहीं बन सकेगा तो इन द केस ऑफ फीमेल स्टेडिलिटी सो मेल स्टिलिटी इज मोर स्टेबल दैन फीमेल स्टेडिलिटी एंड फीमेलिटी लेस स्टेबल दैन मेल स्टेडिलिटी तो मेल स्टिलिटी के स्टार्ट में कुछ जो है मैं आपको टर्म्स डिस्कस करूँगा हाइब्रिड वट इज हाईब्रिड हाइब्रिड इज़ द फर्स्ट जनरे क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स फर्स्ट वन यूज्ड यूज एज अ फीमेल एंड द सेकंड वन इज एज अ मेल सो मेल का अगर हम क्रॉस करें इन दोनों का क्रॉस करें तो so मेल के जो इनब्रेड लाइन है उसका पोलन यूज़ करके फीमेल को इनब्रेड लाइन को पोलिनेट करेंगे तो इसके पोलिनेट करने से जो फीमेल के जो कोब होगी इन द केस ऑफ मेज तो वो हमारे पास आएगा हाइब्रिड तो बताने का क्या था कि अगर हमने जब हाइब्रिड में दो क्रॉस करते हैं तो उसमें हमारे पास उनमें जो करैक्ट्रिस्टिक्स होते हैं फीमेल की उसमें करैक्ट्रिस्टिक्स है कि वो मेल स्टीराइल होना चाहिए तो यही आज हमारा टॉपिक है इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे तो एक टर्म है आइसोजेनिक लाइंस की नी टू और मोर इनब्रेड और प्योर लाइन्स विच आर फॉर प्रैक्टिकल परपज जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टरिस्टिक लाइन्स वो लाइन्स हैं, हैं तो वो इनब्रेड लाइन्स ही होंगे लेकिन उनमें सिर्फ एक करैक्टर जो है वो डिफरेंट होगा उनको आइसोजेनिक लाइन्स कहेंगे ये टर्म मैं आगे यूज करूँगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी मेल स्टिलिटी यूजफुल फॉर प्लांट पीड हाउ सी दिस पिक्चर इमेस्कुलेशन इन बार्ले ये बार्ले का स्पाइकलेट है और उसको क्या करते हैं कट करके उसके अंदर से एंथर्स रिमूव करते हैं इन देश इमेस्कुलेशन तो ये देखें इमेस्कुलेशन वीट एंड दिस इज इमेस्कुलेशन इन टोमेटो तो ये इमेस्कुलेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है मुश्किल है तो अगर मेल होगा स्टेराइल तो वो ये हमें इमेस्कुलेशन का हमारा इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा इन मेल स्टेराइल सिस्टम द फ्लावर्स कैन नॉट बी सेल्फ पोलिनेटेड दे कैन बी क्रॉस पोलिनेटिड दिस मेक्स द मेल स्टेराइल सिस्टम यूजफुल टू द प्लांट ब्रीडर इफ नॉर्मली सेल्फ प्लांट्स आर मेल स्टेराइल क्रॉस पोलिनेशन कैन बी मेड विदाउट द लेबोरियस टास्क ऑफ इमेस्कुलेशन तो वही बात कि सेल्फ पोलिटेड प्लांट्स को अगर हम उनको मेल स्टेराइल कर देंगे तो उनमें मेल जो है एंथर या पोलन प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो उसने उसको फर्टिलाइज करने के लिए उसको लाजमी उसमें क्रॉस पोलिनेशन ही होगी फिर फिर क्योंकि उसका अपना पोलन ही गिरेगा उसमें दूसरा बाहर से पोलन ही गिरेगा तो इसलिए मेल स्टेडिलिटी फॉर प्लांट बेटर इज गुड टाइप्स ऑफ मेल स्टेडिलिटी ज़्यादा थ्री मेन टाइप्स ट्रू मेल स्टेडिलिटी फंक्शनल मेल स्टलिटी एंड इंड्यूस्ड मेल स्टेडिटी कुछ बुक्स में जो है डायरेक्ट ये जेनेटिक मेस्टिलिटी साइटोप्लाजिकलिटी एंड साइटोप्लाजिकलिटी को डिस्क्राइब किया गया है लेकिन प्रिंसिपल ऑफ प्लान ब्रीडिंग जो जैकवा की बुक है उसमें उसने ऊपर वाली फर्दर क्लासेज भी की हैं ट्रू मेल स्टेलिटी फंक्शनल मेस्टलिटी एंडस्टलिटी दैन ये फर्दर टाइप्स हैं तो हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन सो ट्रू मेल सिलिटी इसके लिए कुछ टर्म मैं आपको पहले बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये एक मेज़ का प्लांट है इसमें क्या होता है इसमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है लेकिन एक ही सेम ही प्लांट पर लाइक like, ये एयर ये फीमेल पार्ट है फीमेल फ्लावर है एंड दिस इज टैसल ये मेल पार्ट है तो टैसल से पोलन जो है वो एयर पर गिरते हैं एंड इन देश पोलिनेशन और ये एक पपाया पपीते का मेल फ्लावर इसमें क्या होता है कि इसमें मेल जो है वो अलग प्लांट पर होता है और फीमेल अलग प्लांट पर होते हैं फीमेल फ्लावर तो मेल प्लांट पर सिर्फ जो है फ्लावर्स लगते हैं और फीमेल प्लांट पर फ्रूट लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं वो पोलिनेट होने के बाद उस पर फ्रूट बनता है तो अब जो मेज के एग्जांपल थे कि जिसमें एक ही प्लांट पर दोनों फ्लावर होते हैं लग -लग, अलग अलग यानी कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही प्लांट पे उसको तो कहते हैं मोनोएशियस लेकिन मेल और फीमेल फ्लावर जो अलग अलग होते हैं अलग अलग प्लांट पर होते हैं उनको कहते हैं डायोशियस तो ये दोनों ही टाइप्स हैं यूनिसेक्चुअल फ्लावर की यानी कि फ्लावर का सेक्स जो है वो सेम ही है मेल होगा या फीमेल होगा लेकिन अगर वो स, दोनों सेम ही प्लांट पे होंगे तो दिस इज़ मोनोशियस लाइक इन द केस ऑफ मेज और अगर वो डिफरेंट पार्ट्स पर होंगे दैन इट्स डायोशियस लाइक इन द केस ऑफ पपाया नेक्स्ट इज बायोसेक्ल लाइक इन द केस ऑफ व्हीट सेल्फ मोनिट्री क्रॉप इसमें इसके स्पाइक के अंदर ही जो है फ्लावर होगा फ्लावर मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों अंदर ही होते हैं तो ट्रू मेल्स रिलेटिव में ये मैंने टर्म्स बताई हैं क्यों दिस इज ड्यू टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दैट लैक मेल सेक्स ऑर्गन्स डायोसी एंड मोनो डाइशस मोनोश यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स या तो लैग करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन का और बाईसचुअल फ्लावर्स विद एबनॉर्मल और नॉन फंक्शनल माइक्रोसपोर्स लीडिंग टू पोलन एबोशन या बाईसचुअल में विद एबनॉर्मल या नॉन फंक्शन माइक्रोस्पोर्स जो कि पोलन को ख़त्म कर देंगे जीन का एक कॉन्सेप्ट है जीन न्यूक्लियर जीन्स होते हैं आप देखें, जब भी हम जीन्स की बात करते हैं तो वो हम बात कर रहे होते हैं न्यूक्लियर जीन्स की न्यूक्लियर जीन्स क्योंकि मैंडिलियन जो उसने जीन्स की बात की आ, जो हम मैंडिलियन करेक्टर लेते हैं वो जीन्स हम न्यूक्लियर जीन्स की बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस में जीन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है तो जीन्स क्या हैं पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम दैट स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक ट्रेड जो किसी ख़ास ट्रेड को स्पेसिफाई करता है उसको जीन कहते हैं तो जो जीन्स न्यूक्लियस में होते हैं उनको हम न्यूक्लियर जीन्स कहते हैं लेकिन एक प्लाज्मा जीन्स भी होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं क्यों हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है और उसके अंदर जो जीन्स होंगे उसको हम प्लाज्मा जीन्स कहेंगे सो द जेनेटिक मेकअप या जीन ऑफ दाइट्रो साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मा जीन्स तो अब इसमें एक और टर्म मैं बतानी, रही सिंपल ये एक एग है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इसमें ऑर्गेनलीस सारी ऑर्गेनलीस प्रेजेंट होती हैं एग में पहले ही यानी कि फीमेल जो है एग डेवेल्प करती है उसके अंदर सारी ऑर्गेनिस पहले ही डिवेलप होती हैं तो ये एक मेल गमीट है जब ये मेल गमीट आके फर्टिलाइज करेगा तो ये जाके न्यूक्लियस में न्यूक्लियस जो है डबल हो जाएगा वन एन फ्राम द मेल गमीट एंड वन एन फ्राम द एग न्यूक्लियस तो ये जो जयगोड बनेगा वो टू एन हो जाएगा एग सेल फर्टिलाइज हो गया लेकिन जो माइट्रोक्रिया का डीएनए था वो फ़ीमेल से ही आया वो फीमेल ने ही जो एग सेल डेवलप किया था वो माइट्रोक्रिया जब डेवलप हुआ उसी में एग सेल में तो माइट्रोक्रियास और और पहले ही थी तो ये कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियर जीन्स आर ट्रांसफर टू ऑफ फॉर बहुत पेरेंट्स क्योंकि मेल के मीट भी और एग सेल दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में वन एन प्लस वन एन टू एन हो गया बट इन द केस ऑफ प्लाज्मा जीन्स इट ट्रांसफर टू ऑफिंग फॉर मदर ओनली क्यों क्योंकि साइटोप्लाजम जो है सिर्फ मदर से कंट्रीब्यूट हो रहा है एग सेल कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें मदर की तरफ से पहले ही ऑर्गेलिज डिवेलप हैं तो इसलिए जो प्लाज्मा जीन्स हैं वो मदर से तरफ से सिर्फ कंट्रीब्यूट होते हैं ये टर्म्स में आगे जा यूज करूँगा तो ट्रू मेल से के पहले टाइप डिस्कस करते हैं जीनेटिक मेल जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इसको न्यूक्लियर या जीनिक मेल स्टेरिलिटी भी कहते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज़ मैनिफेस्टेड थ्रू द एक्शन ऑफ न्यूक्लियर जीन्स इनहिबिटेड नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एंथर्स एंड पोलन न्यूक्लियर जीन्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही दे दिया है जो न्यूक्लियस में जीन्स प्रेजेंट होंगे उनसे जो मेल स्टेरिलिटी होगी उनकी वजह से नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एंथर्स एंड पोलन रुक जाएगी उसको कहते हैं जेनेटिक मेल स्टेडिटी मेल स्टेराइल जीन्स जेनेटिक मेल स्टिलिटी इज ऑफन कंडीशन अ सिंगल रिसेसिव न्यूक्लियर जीन स्मॉल एम एस जो जेनेटिक मेल स्टेडिलिटी है वो स्मॉल एम एस एक रिसेसिव न्यूक्लियर जीन है वो कंट्रोल करता है और जो डोमिनेंट अलील होगा कैपिटल एम एस वो नॉर्मल एंथर पोलन करेगा ये एक सेल है और उसमें न्यूक्लियस में ये जीन है एम एस एम एस कैपिटल एस कैपिटल एस इन दैट केस कैपिटल एस स्मॉल एस अब आप ये सोचें कि इस इनमें ये मेल स्टेराइल होंगे कि मेल फर्टाइल होंगे मैंने आपको बताया कि स्मॉल एम एस जहाँ पे होगा फॉर्म में वो मेल स्टेराइल होगा और जहाँ पे कैपिटल आ जाएगा डोमिनेंट आ जाएगा एम एस वो मेल फर्टाइल होगा तो ये मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट वन देखें फॉर द डिप्लॉय स्पीशीज द एम एस एम एस जीनोटाइप वुड बी मेल स्टेराइल वाल द एम एस एम ए कैपिटल एम एस कैपिटल एम एस एंड कैपिटल एम एस स्मॉल जीरो टाइप वुड भी मेल फर्टाइल क्योंकि अब इसमें एम एस एम एस रिसेसिव है फर्स्ट वन में तो ये मेल स्टेराइल होगा सेकेंड वन में देखें ये क्या है ये ये डोमिनट है दोनों ही डोमिनेट है तो ये ऑबवियसली मेल फर्टाइल होगा और थर्ड वन में देखें कि एक डोमिनेट है और एक रिसेसिव है तो ये मेल फर्टाइल होगा ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हम चलते हैं थोड़े से जी एम एस इज आइडेंटिफाइड इन वन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव प्लाट्स जीनेटिक मेस रेलिटी वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव प्लांट्स में देखी जा चुकी है लाइक इन द दर्ले कॉर्न मेस कॉटन पर मिलट पोटैटो राइस सोरगम व्हीट टोमेटो पी सोयाबीन Over 70 different types of male sterile genes are reported in maize, 64 in tomato, 54 in pea, and 25 in rice. Site of action The action of male sterile allele is generally time, site, stage, and sex specific and may act. एट मोर देन वन डिवेलमेंटल स्टेज जो एम एस लील जो है वो टाइम साइट और स्टेज उससे होगा फॉर एग्जाम्पल एम एस जीन इन टोमेटो सच एज एम एस के एट एक्सप्रेस इट से और एम एस के थ्री जो है वो एक्सप्रेस करता है एट द मेटाफेज स्टेज सो दिसल जीन्स आर स्पेसिफिक Time specific, site specific, state specific, and sex specific. MS gene action on plant. Plant premise gene ka kya action hai. Anthers and microspores of male sterile plants of almost all species show that change in the content and proportion of various amino acids, high deficiency of DNA and RNA. रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन कंटेंट्स, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द एक्टिविटीज ऑफ कैलेज साइड्रोक्रोम ऑक्सीडेज एंड सैवल अदर एंजाइम्स एंड लोअर कंसनट्रेशन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स ये सारे जो हैं सिम्टम्स देखे गए हैं जो मेल स्टेरा जीन जिस प्लांट में हो मेल स्टिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड और प्रवेंटेड बाय यूजिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक साइटोकाइनिन साइटोकिन ऑक्स एसिड एंड एथाइलिन इनके यूज़ करने से मेल स्टिलिटी को कम किया जा सकता है या कंप्लीटली बचा भी जा सकता है नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ जीनेटिक मेल स्टिलिटी हमारे पास एक प्लांट है उसमें मेल स्टेरिलिटी है अब हम उसको मेंटेन कैसे करेंगे क्योंकि एक प्लांट है वो तो मेल स्टेराइल है उसमें एंथर्स uh, प्रोड्यूस नहीं हो रहे या उसमें पॉलि प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो अब हम उसको नेक्स्ट प्रोजेनिंग में कैसे बचा सकते हैं क्योंकि वो एज अ सिर्फ फीमेल ही कंट्रीब्यूट कर सकता है तो उसके लिए हम मेंटेनेंस प्रोग्राम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ द मेल स्टीराइल जीन अ पॉपुलेशन पोज सम प्रॉब्लम्स Breeder cannot produce and maintain a pure population of male sterile plants. Why? Let's see. Different cross combination. Hain. If we take male sterile, uh, small ms, small ms, and cross with male uh, male sterile, small ms, small ms. This is not possible because. वी कैन नॉट टेक मेल एज अ मेल स्ट्राइल क्योंकि मेल में तो मेल्स uh, स्ट्राइल को जो है हम मेल रख ही नहीं सकते क्योंकि इसमें एंथर्स प्रोड्यूस ही नहीं होने इन दैट केस क्रॉस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मेल स्ट्राइल कॉन्ट प्रोड्यूस सो वी कैन नॉट यूज़ इट एज अ मेल तो ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल क्रॉस कॉम्बिनेशन नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं कि मेल्स ट्रायल को अगर हम मेल फर्टाइल के साथ क्रॉस करें तो इन दैट केस बनेंगे वो स्मॉल एम एस और मेल फर्टाइल में गेमिट बनेंगे दैट्स कैपिटल एम एस तो इनका क्रॉस आएगा कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस प्रोजेनी विल बी मेल फर्टाइल ये तो फर्टाइल हो गई लेकिन हमने क्या चाहिए हमें तो मेंटेन करना था मेल नेक्स्ट क्रॉस चेक करते हैं अगर हम फीमेल ले मेल फर्टाइल स्टेराइल और मेल ले मेल फर्टाइल स्मॉल एम एस क्रॉस कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस तो इनके जो गेमिट्स बनेंगे उनको अगर हम क्रॉस करवाएं तो हमारे पास आया कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस एंड स्मॉल एस स्मॉल एम एस तो हमारे पास फिफ्टी परसेंट प्रोजेनी मेल स्टाइल बनी एंड फिफ्टी परसेंट मेल फर्टाइल बनी तो हमने जो कहा कि प्लांट ब्रीडर कैन नॉट प्रोड्यूस एंड मेंटेन अ प्योर पॉपुलेशन ऑफ मेल सीराइल प्लांट्स तो यही रीज़न है कि हमारे पास फिफ्टी परसेंट मेल सीराइल है फिफ्टी परसेंट मेल फर्टाइल है अगर हम सेकंड वाला मिडल जो क्रॉस है अगर उसको देखें तो इसमें हमने क्या किया इसको अगर हम फर्दर लेके चलें अगर हम इसको आगे सेल्फ करवाएं इसी क्रॉस को सो so, ये देखें वो ही क्रॉस है अगर हम इसको सेल्फ पॉल्यूशन करवाएं कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस सेल्फ विद कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस जैसे गमीर्स और क्रॉस आएगा कैपिटल एम एस कैपिटल एम एस कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस स्मॉल एम एस स्मॉल एम एस तो हमारे पास रेशियो क्या बनी जीनोटिपिकली टू रेशियो वन रेशो टू रेशो वन वन टू वन रेशो बनी ट्वेंटी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट और हमारे पास फिन फिनोटिपिक रेशो क्या बनी थ्री रेशो वन थ्री सेवेंटी फाइव परसेंट मेल फर्टाइल एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट मेल स्टीराइल अगर हम इसको फर्दर लेके चलें ये जो मेल स्टेराइल है उसको हम फीमेल रखें और बाकियों को हम मेल रखें उसी में आपस में हम क्रॉस करवाएं क्योंकि हमने मेल ट्रायल का फीमेल क्यों लिया है? क्योंकि हमने इसमें मेल स्ट्रायल का ही जीन इंसर्ट करना है तो मेल ट्रायल तो वैसे भी पोलन कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेगी हमने तो सिर्फ मेल स्ट्रायल हमने सिर्फ प्रोजेनि में जो है लेंगे हमने सिर्फ मेल स्ट्रायल पर जितना जितना उस पर तो सीड आएगा हमने सिर्फ मेल ट्रायल से सीड हारवेस्ट करना है और किसी से नहीं करेंगे तो मे के ये गेमिट्स बनेंगे सारे तो अगर इनके क्रॉस करेंगे देखें कैपिटल एम एस और स्मॉल एम एस दिस स्मॉल एम एस स्मॉल एम एस एंड कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस दिस तो हमारे पास ये बने सिक्स यानी कि ये टू वन रेशो बन रही है दैट इज सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट एम एस स्मॉल एम एस एंड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट स्मॉल एम एस स्मॉल एम एस दिस इज अगर हम फर्दर क्रॉस करवाएं इन्हीं का ही ऊपर ही जो हमारे पास फर्जानी आई थी उसका हम फर्दर क्रॉस करवाएँ अगेन हमने इसमें से मेल स्टिटल को फीमेल रख रहे हैं और जो हमारे पास मेल फर्टाइल आए थे उन सब को हमने मेल रखना है गेन हम उनका क्रॉस करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा एम एस और यहाँ से कैपिटल एम एस और स्मॉल एम एस स्मॉल एम एस तो ये आ गया हमारे पास फिफ्टी परसेंट मेल फर्टाइल एंड फिफ्टी परसेंट मेल स्टेराइल अगेन हम इनको क्रॉस करवाएं तो हमारे पास दोबारा फिफ्टी परसेंट मेल फर्टाइल फिफ्टी परसेंट मेल स्टेराइल तो ये हम वही सिचुएशन आ गई जो हमने

तो मार्कर्स यूज़ करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें पता हो कि जो जेनेटिक मेल स्टाइल हमारा प्लांट है उसके अंदर एक तो कुछ हमें फिनोटिकल मार्कर्स हो लाइक हमें पता हो कि ये कोई डिजीज सबल है या फिर हमें इंफॉर्मेशन हो कि ये इसके एंथर्स जो हैं वो विजिबली नज़र आ रहे होंगे कि अच्छे नहीं हैं बन रहे या उसमें पोल नहीं आ रहा तो डिफरेंट मार्कर्स यूज़ करते हैं तो इसमें एक ए लाइन और बी लाइन का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है ए लाइन जो है वो मेल स्टेराइल लाइन को कहेंगे और बी लाइन जो उसको मेंटेन करेगी लाइक इन दैट केस कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस जो है वो मेंटेन कर रही है मेल स्टेडिलिटी को प्रोजेनी में जो है फिफ्टी परसेंट मेल स्टेराइल आ रहे हैं तो बी लाइन इज़ अ मेंटेनर लाइन और इसको जो मैंने थी, दोनों आइसोजेनिक लाइन होंगी सिर्फ इनमें फर्क क्या है एक आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेल्स रिलेटिव में हमने अब डिस्कस करना है इन्वामेंट इनसेंसिटिव एंड एंडमेंटल सेंसिटिव सो इन्वायरमेंट इनसेंसिटिव कौन से होंगे द जुनेटिकटी इन विच एम एस जी एक्सप्रेशन इज नॉट और मच लेस इफेक्टिव बाय द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वामेंट इन सेंसिटिव जुनेटिक रिले इन्वायरमेंट से इफेक्टिव नहीं होंगे बट इन्वायरमेंट सेंसिटिव जो है वो क्या होंगे अकर्ड इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर और फोटो पीरियड इसमें जो है एम एस डीन जो है वो इफेक्ट हैं विद रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड फोटो सेंसिटिव फोटो पीरियडि जी एम एस फोटो पीरियड में क्या है एम एस जीन जो है वो इफेक्टेड होगा बाय द फोटो पीरियड प्रोवाइडेड बाय द टेम्परेचर विद इन अ क्रिटिकल रेंज एग्जाम्पल राइस में लॉन्ग डे फोटो पीरियड ग्रेटर दैन थर्टीन आवर्स फिफ्टी फाइव मिनट्स प्रोड्यूस मेल मेल्सिटी वाइल शॉर्ट डे फोटो पीरियड लेस दैन थर्टीन आवर्स फिफ्टी फाइव मिनट्स प्रोड्यूस मेल फर्टिलिटी इन इज बिटवीन ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी नाइन तो राइस में अगर तो लॉन्ग डे होगा तो वो प्लांट मेल स्टेराइल होगा और अगर शॉर्ट डे होगा तो वो प्लांट मेल फर्टाइल होगा तो इन द केस टेम्परेचर सेंसिटिव टीजी टेम्परेचर हायर देन क्रिटिकल पॉइंट्स अलो एम एस जीन टू एक्सप्रेस एंड द मेल स्टेरिलिटी इज ट्रेन फॉर एग्जाम्पल राइज क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज फ्रॉम ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन फॉर डिफरेंट मेल स्टेराइल लाइन्स for example a sterile line pi ai 64s its temperature 23.3 at this temperature this line shows completely male sterility both photoperiod genetic male sterility and temperature sensitive genetic male sterility are used to produce hybrid rice Detailed studies in rice has shown that the same male sterile genes behave as photoperiod genetic male sterility and temperature genetic male sterility depending on the genetic background. Okay. Same gene, for example, rice male red line 50475 and W6154S have the same MS gene from क फिफ्टी एट एस दिस इज द एम एस ड्रीन फ्राम द नॉन्ग कैंक फिफ्टी एट एस एंड दिज आर द टू लाइन्स ड्राइव फ्राम देट फाइव फोर सेवन एस एंड डब्ल्यू सिक्स वन फाइव फोर एस लेकिन दोनों में जो है अलग अलग इसमें पी जी एम एस है पहली में और दूसरे में टी जी एम एस है टेम्परेचर जिनेटिक टेम्परेचर जिनेटिक मेल स्टाइल पी जी एम एस इज़ प्रेफरेबल ऑन पी जी एम एस वाई यूटिलाइज ओनली इन कंट्रीज़ है लार्ज वाइबिलिटी इन लेटीट्यूड पी जी एम एस हम सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं ये टेक्निक जहाँ पर लेटीट्यूड में अच्छा खासा फ़र्क मिले क्यों फॉर एग्जाम्पल हम अगर राइस का हाइबिट बना रहे हैं तो हमें शॉर्ट डेज में तो वो राइस फट फर्ट, मेल फर्टाइल होगा तो हमने उसको ऐसी जगह पर लेके जाना है कि जहाँ पे वो मेल फर्टाइल होगा तो उसमें सेल्फिंग नहीं होगी फिर उसमें क्रॉसिंग होगी तो इसलिए हम रिक्वायरमेंट है कि लैटिट्यूड एक अच्छी खासी वेरेबलिटी हो उस मुल्क में बट इन दैट केस ऑफ टी जी एम एस कैन बी यूज दंट्रीज हैली एरियाज अब फॉर कल्टिवेशन तो जो टेम्परेचर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है हम उन उसको हम उन कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास हिल एरियाज़ हों हिली एरियाज में क्या होगा टेम्परेचर कम होगा क्योंकि मिसाल तौर पर जो है गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है तो हम उसको हिली एरिया पर ले जाएंगे वहाँ पर हमें टेम्परेचर कम मिल जाएगा थ्रू एंड विल बी हंड्रेड परसेंट मिल्स्टराइल दीज मेल मिलइल लाइन आरटेन बाई ग्रोइंगेचर और अंडर फोटो पीरियड्स विच प्रोड्यूस मेल फर्टिलिटी इन द मेल स्टेराइल लाइन द सेल्फ प्रोजी हंड्रेड परसेंट मेल के इसमें हमें जो है टीजीएमएस और पीजीएमएस में हंड्रेड परसेंट मेल स्टेरा कैसे मिलती है कि अगर हम एक प्लांट है वो उसको अगर तो वो अगर हाई टेम्परेचर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल राइस है अगर वो ट्वेंटी डिग्री पे वो मेल स्टिराइल होता है तो अगर हम उसको लो टेम्परेचर पर लें हम उसको इससे भी लो टेम्परेचर पर लें टेन पे लें एट पर पे ले लें ले ले तो उसमें वो फर्टाइल होगा तो उस टेंपरेचर पे हम उसको क्या करेंगे हम उसको सेल्फ करवा लेंगे यानी कि ऐसे टेम्परेचर में जिसमें वो मेल स्टेराइल ना हो या ऐसे फोटो पीरियड पे जिसमें वो मेल स्टिराइल ना हो वो प्लांट उसमें वो आपस में प्लांट खुद सेल्फ हो जाएगा पोलिनेशन होगी तो इस तरह हमारे पास हंड्रेड परसेंट प्योर आएगी प्रोजेनी कि वो, क्योंकि वो प्लांट आपस में ही सेल्फ हुआ होगा तो हंड्रेड परसेंट प्योर हमारे प्रोजेनी मिलेगी लेकिन हमने जो पहले जो पीछे पहले पढ़ी है जीएमएस उसमें क्या था उसमें फिफ्टी परसेंट मेल स्टीराइल बन रहे थे फिफ्टी परसेंट मेल फर्टाइल बन रहे थे बट इन द केस ऑफ टी जी एम एस एंड पी जी एम एस हमारे पास जो प्रोजेनी आएगी वो हंड्रेड परसेंट मेस्टेड होगी सो नेक्स्ट इज द ट्रांसजेनिक जेनेटिक एंड दिस इज द नोवल टाइप ट्रांसजीन क्या होता है अजीन इंट्रोड्यूस इन टू द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कॉल्ड ट्रांसजीन तो इसमें दो वर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं कि डीएनए टेक्नोलॉजी ए डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकमेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ अ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए एन फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज तो स्पीशीज के जेनेटिक डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ दें तो होता है रिकमन डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग डी डीएनए टेक्नोलॉजी टू आल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म दोनों जो हैं वो uh, आपस में लिंक रखते हैं टर्म्स तो राइट साइड पे आप देख भी सकते हैं कि इस तरह आपको दिखा रहे हैं कि दो आ, किसी खास डीएनए जी, में जीन एड कर रहे हैं सो मैनी ट्रांस जीन्स फर्टिलिटी तो जब कहीं बाहर से जीन ऐड करेंगे तो वो इन दैट केस दिस इज ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल ट्रियलिटी तो जो जीन्स बाहर से ऐड किए हैं तो उनका जो एक्सप्रेशन देखा गया था वो डोमिनेंट था फर्टिलिटी पे कि मेल फर्टाइल पे डोमिनेंट इफेक्ट था कि मेल स्टाइल डोमिनेंट था मेल फर्टाइल रिसेसिव उसके उसके मुकाबले में लेकिन जो पिछले हैं हमने नॉर्मल देखे हैं, उन सब में क्या था कि उनमें एम एस जीन रिसेसिव था मेल स्टल जीन लेकिन जो हमने ख़ुद ट्रांसफ़र किए उनमें हमने देखा कि वो डोमिनेंट है फर्टिलिटी पे It is essential to develop effective restoration system if these are to be utilized for hybrid seed production. Hybrid seed production के लिए अगर हमने use करना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक restoration system हो कि हम क्या करें restore कर सकें fertility hybrid में क्या है के हमारे पास मेल हमने हाइब्रिड अगर हाइब्रिड सीड बनाना है तो जब हमने फार्मर को देना तो हमने इसको मेल स्टाइल लाइन नहीं देनी हमने इसको फर्टाइल लाइन देनी है लेकिन ट्रांसजेनिक में तो मैंने आपको बताया कि इसमें तो मेल स्टेडिलिटी का जो जीन आता है वो डोमिनेंट हो, होता है फर्टिलिटी पे तो इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास कोई सिस्टम भी हो रिस्टोर करने का फर्टिलिटी क्योंकि अगर तो मेल स्टेलिटी का जीन डोमिनेंट हो गया तो उसने तो हम जो भी जीन ऐड करें तो वो स्टेरिलिटी का जीन तो उस पर डोमिनेट ही रहेगा तो उसके लिए एक सक्सेस स्टोरी है बारनेस बास्टर सिस्टम ये क्या है बारनेस जीन ऑफ बेसिलस अमायलो लिक्विड एंड कोड्स एंड आर एन एज ये बैक्टीरिया है राइट साइड में आप देख सकते हैं इसके अंदर से एक बारनेस जीन लिया जो कि किड करता है खास आर एन आर एन क्या करता है वो आर एन ए को ब्रेक डाउन करता है सो so, ट्रांसजेनिक तंबाकू एंड ब्रासिका नेपटिस ये प्लांट्स हैं एकस्प्रेशन, एकस्प्रेशन, बारनेस वॉज कम्प्लीट मेल स्टेराइल जब इनके अंदर जब ऐड किया गया बारनेस जीन इनके जेनेटिक मेकअप में फ्रॉम बैक्टीरिया से लेके इन तंबाकू में और ब्रासिका नेप्टिस में इंसर्ट किया गया तो देखा गया कि वो प्लांट कंप्लीट मेल स्टिहाल थे सो अनदर जीन बारस्टर फ्रॉम सेम बैक्टीरियम इन कोर्स प्रोटीन विच इज़ हाईली स्पेसिफिक इनहिबिटर ऑफ बारनेस तो बारनेस एक और इसमें एक और इसमें से जीन लिया गया बारस्टार जो कि इनहिबिटर था बारनेस का बारनेस जो आर बनाता था उसको इनहिबिट करता था उसके फंक्शन को सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स एक्सप्रेसिंग बोथ बारनेस एंड आर फुली मेल फर्टाइल तो जिस पौधे में दोनों चीज डालेंगे तो वो कम्प्लीटली मेल फर्टाइल था सो हैज है बारजीन विद स्पेसिफाई रेजिस्टेंस टू दर्बिसाइडो थ्राइसिन जो बारनेस जीन था जो कि मेल स्टेरिलिटी काज करता है उसको टैग कर दिया गया विद अ जीन और वो बार जीन का करता था वो रेजिस्टेंस शो करता था हर्बिसाइड एक खास हर्बिसाइड से दैट इज फोस्फिनो थ्राइसिन इसकी क्या रीज़न है ये मैं आपको आगे बताता हूँ इसको मैं आप एनिमेशन के थ्रू आपको बताता हूँ दिस इज द बेसलस अमायलो जिसके डी में से वो खास जीन लिया ये वो जीन बारनेस जीन जो कि एनकोड करता आरएनए इसको लिया और ये एक प्लांट फॉर एग्जांपल मेज़ का मैंने शो किया इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो ये इंसर्ट करने से वो प्लांट जो था नॉर्मल प्लांट वो मेल स्टेराइल हो गया लेकिन जब उसी बैक्टीरिया में से उसी बैक्टीरिया के डीएनए में से डीएनए में से एक जीन और अलग किया दैट इज़ बारसर जीन वो क्या करता था वो एक इनकोड करता प्रोटीन दैट इज़ द इन्हीबिटर ऑफ द बारनेस आर एन एस जो ऊपर पहले हमने बार बारनेस निकाला था बारनेस जीन निकाला था बार्नस जी आर एन ए प्रोड्यूस करता था उस आर एन ए को यह बारसर जीन इन्हीबिट करता रोक देता था उसको इफेक्ट नहीं होने देता था उसका इम्पैक्ट खत्म कर देता था तो जब इसको प्लान में डाला तो क्या हुआ कि वो मेल सर्टाइल प्लांट वो मेल फर्टाइल प्लांट बन गया एंड देन एक और बैक्टीरिया से एक जीन लिया बार जीन जो कि क्या था स्पेसिफाइज था रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड फोस्फिनोथ्राइसिन फोसफिनोत्थ्राइसिन हर्बिसाइड को ये रेजिस्टेंस शो करता था कि इसके ऊपर जब वो स्प्रे करते तो उसका इम्पेक्ट नहीं होता जिसके प्लांट के अंदर ये जीन होता है तो ये ये भी जीन दोबारा कर दिया गया अब आपका यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ये जीन इसमें क्यों सेट किया गया बार जीन बारनेस जीन का तो समझ लगती है कि उससे मेल स्टिलिटी हुई और बास्टर जीन की भी समझ लगती है कि वो मेल फर्टाइल प्लांट करने के लिए यूज़ हुआ लेकिन बाहर जीन क्यों ये तो रेजिस्टेंस शो करता है हर साइड से इसको क्यों एड किया गया तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर मैं इस क्रॉस में दूंगा मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेलिटी कि ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेडिलिटी किस तरह मेंटेन की जा सकती है

विध टैगड बारजिन यानी कि बार्नस जीन और उसको बार्नस के साथ टैग किया गया बारजीन वो उसमें प्रेजेंट है उसमें ऐड किया गया एक ट्रांसजेनिक प्लांट है और दूसरा इसका नॉर्मल है आप देखें ये मेल स्टेट लेकिन बार की वजह से क्या हो गया बारजीन की वजह से ये हर भी साइड रेजिस्टेंस हो गया और ये नॉर्मल मेल फर्टाइल और ये नॉर्मल है तो हर्बिसाइड सेंसिटिव है और स्पेसिफिक इसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस फोस्फिनो की बात हो रही है नेक्स्ट जो इनकी प्रोजेनी आएगी अब ये देखें ये बारनेस बार इधर और इसका पहला नॉर्मल ये ये बारनेस बार और और फिर फिर बारनेस बार और इसका सेकंड फिर दोबारा यही बनेगा टू ये बार रहे एंड देन फिर इसको लें ये और फिर ये वन नॉर्मल फिर ये और फिर ये तो मतलब फिफ्टी परसेंट बार और फिफ्टी परसेंट हमारे पास नॉर्मल बनेंगे अब अब है कि फिफ्टी परसेंट वन रेशो वन बन रही है लेकिन इसमें आप देखें बार जीन को क्यों ऐड किया गया था इसकी रीज़न पता चलेगी कि जो ये हमारे पास पॉपुलेशन आएगी पूरी ये मिक्स ही पॉपुलेशन होगी तो इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं तो इसको स्प्रे करना है फोस्फिनो का स्प्रे करना है जो कि एलिमिनेट कर देगा मेल फर्टाइल प्लांट्स को तो जितने भी मेल फर्टाइल प्लांट्स हैं वो तो किल हो जाएंगे टू द एक्शन ऑफ द फोस्फिनो तो हमारे पास पीछे क्या बच गया पीछे हमारे पास यही फिफ्टी परसेंट बारनेस बार मेल हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट बच गए तो अब ये तो था कि हमने इसको मेंटेन कर लिया हमने अपने बारनेस बार को मेंटेन कर लिया हमने अपने ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेज स्टेराइल लाइन को मेंटेन कर लिया अब अगर हम इसकी आ, फर्टिलिटी को बैक करना चाहते हैं रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा उसके लिए एक बारनेस बार यही प्लांट है आगे नॉर्मल है उसका और बास्टर इसमें जीन है एक न्यू प्लांट है उन दोनों को क्रॉस करेंगे पहला क्या है मेल स्टाइल होगा और बार की वजह से रेजिस्टेंट होगा और ये बारस्टर है जो कि नॉर्मल मेल फर्टाइल होगा और सेंसिटिव होगा क्योंकि नॉर्मल सारे प्लांट या हर्बिसाइड सेंसिटिव ही होते हैं यह हर्बिसाइड रेजिस्टेंस था इस बार जीन के ऐड होने की वजह से जो कि हमने पहले डिस्कस किया हमने इसको टैग किया था बारनेस जीन सो फिफ्टी परसेंट बार्नेस बार बास्टर बनेंगे इनके क्रॉस से वो नॉर्मल होंगे अभी देखें बार्नेस बार ये और ये बास्टर फिर ये बार्नेस बार और ये नेक्स्ट यहाँ से बास्टर टू ये बनेंगे तो ये नेक्स्ट एज ए नॉर्मल ये और ये बास्टर एक और फिर ये नॉर्मल और ये बास्टर तो टू ये बनेंगे टू ये बनेंगे दैट इज फिफ्टी परसेंट नॉर्मल मेल फर्टाइल एंड रेस्ट इज़ सुदा मेल फर्टाइल ही बनेंगे जिसमें बास्टर होगा अब ये क्यों मेल फर्टाइल होगा इसे बारनर था लेकिन बास्टर ने क्या किया इसके पेट को इनहिबिट कर दिया तो इस तरह जो है हम फर्टिलिटी को रिस्टोर कर लेंगे नेक्स्ट इज दिस सिस्टम ऑफ ट्रांसजेनिक जी एम एस अवेलेबल इन मेज़ टोमेटो व्हीट कॉलिफ्लावर सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी दिस टाइप ऑफ स्टेरिलिटी इज गवर्न बाय द साइटोप्लाज्म एंड लाइक जीएमएस जीनेटिक स्टेरिलिटी रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर विद नॉन फंक्शनल एंथर्स और पोलेंस मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट दिया था प्लाज्मा जीन्स का न्यूक्लियर जीन्स का तो न्यूक्लियर जीन्स इन द केस ऑफ जी एम एस और साइटोप्लाजम के इन दिस केस प्लाज्मा जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे तो कॉज ये भी वही कह देगा कि नॉन फंक्शन एंसर तो पोल ना लेकिन साइटोप्लाजम रीजन होगी साइटोप्लाजम डेट कॉज एन ऑर्गेनिज्म टू बी मेल स्टीराइल मे बी रेफर टू एज स्टीराइल साइडोपलाजम एस और सी एम एस इन कॉन्ट्रास द नॉर्मल साइडोप्लाजम मेल फर्टाइल कैपिटल एफ विच परमिट्स नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन लेंथर्स एंड पोलिन तो इसमें टर्मिनोलॉजी है कि अगर तो साइटोप्लाजम स्टेराइल है तो उसके लिए कैपिटल एस यूज करेंगे और अगर तो स्टेराइल uh, नहीं है मेल फर्टाइल है तो कैपिटल एफ यूज़ करेंगे लाइक like, ये सेल न्यूक्लियसोप्लाजम में कैपिटल एस है तो वो मेल स्टेराइल होगा अब ये एक सेल है उसके साइटोप्लाज्म में कैपिटल एफ है तो ये मेल फर्टाइल होगा अगर इनका क्रॉस करवाया जाए और मेल स्टेराइल को फीमेल रखा जाए और मेल फर्टाइल को मेल रखा जाए तो फिर इनका क्रॉस क्या आएगा दिस इज माई क्वेश्चन फॉर यू एक मेल स्टेराइल है जिसके साइटोप्लाज्म में स्टेराइल जीन है और एक के साइटोप्लाजम में फर्टाइल का जीन है तो दोनों के क्रॉस में क्या बनेगा ये आएगा मेल स्टेराइल वाई आप सोच रहे होंगे क्यों क्योंकि साइटोप्लाज्म मैंने आपको पहले बताया था प्लाज्मा आर था कंट्रीब्यूटेड बाय द फीमेल सो दिस इज द फीमेल मेल स्टीरा फीमेल था तो इसी का साइटोप्लाजम इसमें आएगा प्रोजेनि में और इसका जो है सिर्फ न्यूक्लियर जीन्स आएंगे तो इन साइटोप्लाज्म हम न्यूक्लियर जीन्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ साइटोप्लाज्म को डिस्कस कर रहे हैं सो इफ क्रॉस मेल फर्टाइल फीमेल विद फर्टाइल मेल विल बी फर्टाइल इन केस ऑफ सी एम एस सो हाउ टू ट्रांसफर सी एम एस टू आर न्यू स्ट्रेन हम एक न्यू स्ट्रेन में साइडोप्लाजी मेन स्टेडलिटी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्ट्रेन ए जो कि हमारे मेल स्टेडाइल है उसको हमने न्यू स्ट्रेन में डिप ट्रांसफ़र करना है स्ट्रेन बी जो कि फर्टाइल है हमने स्ट्रेन बी में हमने स्टेरिलिटी ये ट्रांसफर करना है सी एम एस प्लाजी मेन स्टेडलिटी इसमें ट्रांसफ़र करनी है लेकिन जो इसका जिनोम है ना वो इसी का ही रहे इसमें ट्रांसफ़र करने की या कि जेनेटिक मटेरियल हमें ये चाहिए तो इसमें करेंगे कि हम पहले इनको क्रॉस करेंगे उसको बैक क्रॉस करेंगे अगर हम क्रॉस करें तो क्या होगा क्यों क्योंकि फीमेल तो यही होगी तो साइटोप्लाज्म में स्टेरिलिटी आएगी और फिफ्टी परसेंट जो है ना न्यूक्लियर जीन्स इसके जो है ना फिफ्टी परसेंट हमें पता है कि जो प्ला जो न्यूक्लियर जीन्स हैं वो फिफ्टी परसेंट मेल में से फिफ्टी परसेंट फीमेल में से आते हैं ये फ़ीमेल है और ये मेल है तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसमें फिफ्टी परसेंट फ्रॉम स्ट्रेन बी आएगा फिर हम अगेन इसका बैक क्रॉस करेंगे दोबारा इसी के साथ स्ट्रेन बी के साथ दोबारा बैक क्रॉस करेंगे तो इन दैट केस हमारे पास अब सेवेंटी फाइव परसेंट बी के आ गए हैं मोर और इस तरह हम बैक क्रॉस करते 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 एट द बैक्रॉस सिक्स और तो, बैक क्रॉस सेवन हमारे पास अराउंड नाइनटी नाइन परसेंट न्यूक्लियर जीन्स होंगे जो कि स्ट्रेन ए में होंगे स्ट्रेन बी के सो so, इस तरह जो है जीन ऐड करेंगे सो नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन इन द प्लांट ब्रीडिंग सी एम एस की प्लांट ब्रीडिंग सी एम एस जो है वो क्रॉस में मेज में देखा गया है सोरगम में शुगर बीट में और कैरेट्स में दिस सिस्टम हैज़ रियल एडवांटेज इन ब्रीडिंग वेजिटेटिव प्रोपागेटिव और ऑर्नामेंटल स्पीसीज बिकॉज ऑल इज मेल स्टीराइल अलोइंग फ्रूटलेस ये सिस्टम देखा गया कि जिसमें वेजिटेटिव प्रोपागेटिव हो या औरटल स्पीसीज हो उनमें ये कामयाब है क्योंकि ऑफ स्प्रिंग तो हमारा मेल स्टेराइल होगा तो उसमें फ्रूट तो नहीं बनेगा तो ये फ्रूट नहीं बनेगा और सीड नहीं बनेगा तो हम सिर्फ या वेजिटेटिव प्रोपर्टि में यूज़ कर सकते हैं जिसको हम वेजिटेटिव के थ्रू प्रोपागेट करें या तो हम ऑर्नामेंटल स्पीसीज में जिसमें हमें सीड के साथ हमारा काम नहीं है उनमें ये यूज़ कर सकते हैं

यानी कि न्यूक्लियस जीन्स और प्लाज्मा जीन्स दोनों का इंटरेक्शन है द एक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिकली कंट्रोल्ड मेल स्टेरिलिटी मे बी मॉडिफाइड बाय द एक्शन ऑफ फर्टिलिटी रिस्टोरिंग जीन्स लोकेटिंग इन द क्रोमोसोम्स अब क्या था कि कह रहा है साइटोप्लाज्म में जो जीन्स है ना साइटोप्लाज्म में जीन्स हैं वो उस पर इम्पैक्ट होता है न्यूक्लियस में कुछ जीन्स हैं जिसको कहते हैं रिस्टोरिंग फर्टिलिटी रिस्टोरिंग जीन्स वो इम्पैक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म के जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे example, कि फॉर एग्जांपल के साइटोप्लाज्म में स्टेरिलिटी का जीन है लेकिन अगर तो न्यूक् अगर तो इसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर जीन्स में फर्टिलिटी रिस्टोरिंग का जीन है तो वो उस सी एम एस साइटोप्लाज्म के जीन को एक्सप्रेस नहीं करने देगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनट फर्टिलिटी रिस्टोरिंग अलील द स्टीराइल साइटोप्लाजम बिकम्स इन ऑपरेटिव एंड द एंथर प्रोड्यूस नॉर्मल पोलन दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ द कंट्रासिंग मेल स्टिटीज एक्सप्रेस के अगर तो डोमिनट रिस्टोरिंग अलील्स प्रेजेंट होंगे इन दाइटो इन द न्यूक्लियर जीन तो साइटोप्लाजम में जो स्टेडिलिटी का जीन हो हो भी तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा अगर रिसेसिव न्यूक्लियर में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर जीन जो है रिस्टोरिंग न्यूक्लियर जीन वो रिसेसिव फॉर्म में हो तो फिर वो एक्सप्रेस करेगा साइटोप्लाज्म वाला और अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में है न्यूक्लियर में तो फिर साइटोप्लाज्म वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ये एक प्रोसेस है तो ऊपर सबसे पहले वाला स्मॉल आर स्मॉल आर था तो वो क्या करेगा रिसेसिव है तो एक्सप्रेस नहीं होने देगा जो सॉरी रिसेसिव है तो एक्सप्रेस होने देगा तो साइटोप्लाज्म में जो जीन है कैपिटल कैपिटलैस वो एक्सप्रेस करेगा तो मेल स्टाइल हो जाएगा दूसरे वाले में देखें स्मॉल आर स्मॉल आर है और लेकिन साइटोप्लाज्म तो पहले ही फर्टाइल है मेल फर्टाइल का जीन है फर्टिलिटी का जीन है तो ये मेल फर्टाइल होगा थर्ड वन देखें कि उसमें क्या है उसमें कैपिटल आर कैपिटल आर है तो रिस्टोरिंग जीन आ गया हालांकि साइटोप्लाज्म में कैपिटल स्टेडिलिटी का जीन है लेकिन न्यूक्लियर में रिस्टोरिंग का जीन आ गया तो वो साइटोप्लाज्म के कैपिटल ऐसे को एक्सप्रेस नहीं होने देगा तो ये क्या जाएगा फर्टाइल और चौथे में भी रिस्टोरिंग का जीन आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा फर्टाइल हो जाएगा अब हम कुछ है क्रॉस देखते हैं कुछ रैंडम क्रोसेस ये इसमें क्या न्यूक्लियस में स्मॉल और स्मॉलर है लेकिन साइटोप्लाज्म स्टेराइल है मेल स्टेराइल को क्रॉस करना है विद स्मॉल स्मॉलर और जिसके साइटोप्लाज्म में फर्टिलिटी का जीन है तब क्योंकि इनका क्रॉस करें तो सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म तो स्टेराइल होगा ही क्यों क्योंकि वो फीमेल ने कंट्रीब्यूट करना है फीमेल स्टेराइल है तो देखें साइटोप्लाज्म स्टेराइल है और जीन्स हैं वो स्मॉल आर ही क्योंकि दोनों में यही थे तो, तो वे फिफ्टी फिफ्टी परसेंट कंट्रीब्यूट हुए हैं दोनों में से और स्मॉल आर स्मॉल आर आ गया एक और ये देखें स्मॉल आर स्मॉल आर है जिसका क्रॉस करें कैपिटल आर कैपिटल आर से जिसका साइटोप्लाज्म या फर्टाइल हो या स्टेराइल हो

तो हमारे पास क्या आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और साइटोप्लाज्म में स्टीराइल तो ये अब क्या होगा ये मेल फर्टाइल होगा क्यों क्योंकि कैपिटल आर न्यूक्लियर जीन है वो रिस्टोरिंग जीन है वो फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देगा साइटोप्लाज्म में स्टेरिलिटी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा एक और हम क्रॉस लेते हैं ये क्रॉस है स्मॉल आर स्मॉल आर साइडोप्लाज स्टेराइल है उसका क्रॉस है कैपिटल आर स्मॉल आर का जिसमें साइटो में फर्टिलिटी का जीन हो या ना हो दोनों में ही क्योंकि कैपिटल आर वो एक्सप्रेस नहीं होने देगा तो अगर इनका क्रॉस कराएंगे तो इन केस में हमारे पास दो बनेंगे साइटोप्लाज्म तो फीमेल से आने ही आना है ये स्टेराइल ही आएगा दोनों में अब देखो इसका कमिट बनेगा स्मॉल आर और इसका मिट बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर तो कैपिटल आर आर दिस एंड स्मॉल आर वाल आर दिस तो एक स्टेराइल और एक फर्टाइल अब आप तीनों कॉसेस में देखें कम्बेशन में देखें ये सारे पॉसिबल कम्बेशन बनाए हैं तो इसमें देखें कि इसमें रिस्टोरिंग का कौन काम कर रहा है कि जो फर्टिलिटी रिस्टोर कर रहा है इसमें तो वैसे स्टेराइल आ रहा है ये फर्टिलिटी तो ये स्टोर नहीं कर रहा इसमें देखें ये कर रहा है फर्टिलिटी हंड्रेड परसेंट और इसमें देखें इसमें फिफ्टी फिफ्टी परसेंट फर्टिलिटी आई है तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा है सेकेंड फॉर द रिस्टोरिंग अगर हम रिस्टोर फर्टिलिटी करें तो हम ये मैथड करेंगे तो वही अब क्या है हाउ टू ट्रांसफर साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्ट्रायल टू न्यू स्ट्रेन तो जेनेटिक मेल जेनेटिकराल किसी न्यू स्ट्रेन में करने का न्यू स्ट्रेन में स्ट करने का मेथड बिल्कुल सेम है जिस तरह के सी एम एस में यूज करते बट द न्यूक्लियर नॉट टाइप ऑफ द पोलिनेट स्ट्रेन यूज इन सच मस्ट बी स्मॉल आर स्माल क्यों क्योंकि अगर तो कैपिटल आर आ जाएगा तो वो क्या करेगा एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा यानी कि ये मैथड जो हमने सी एम एस में क्या था बिल्कुल सेम वहाँ के सामने है अभी इसमें न्यूक्लियर जीन्स को नहीं लिखा बिल्कुल ये था अब न्यूक्लियर जीन्स को ऐड करते हैं साहब में रिसेसिंग भी रखेंगे क्यों क्योंकि अगर कैपिटल कहीं भी एक आर आ गया तो वो स्टेडिलिटी का एक्सप्रेस नहीं होने देगा यानी कि अगर इसमें था स्मोलर स्मोलर इसमें स्मोलर स्मोलर था ये अब इसमें स्टेडिलिटी साइड प्लान से एक्सप्रेस हो रही है इसमें नहीं हो रही अगर तो किधर भी अगर कैपिटल आर ये आ जाता तो यहाँ पे जब कैपिटल आर की सेग में आना था तो वो आगे जो है वो इसको साइडर प्लाजम स्टेडिलिटी को एक्सप्रेस नहीं होने देना तो स्टेडिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होनी थी हमने स्टिलिटी नेक्स्ट ट्रेन में ट्रांसफ़र करनी है और इसमें भी इस तरह बैक टू कर 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 बैक टू सिक्स और सेवन हमारे पास नाइन्टी नाइन परसेंट जो है, रहा है। न्यूक्लियर बी का जो न्यूक्लियर जीन्स हैं वो स्ट्रेन uh, ए uh, में एंटर हो जाएंगे और साइटोप्लाज्मिक सी जी एम एस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी स्ट्रेन में तो ये तरीका है ट्रांसफ़र करने का बिल्कुल सी एम एस की तरह ही है अब इसकी यूटिलाइजेशन इन द प्लांट ब्रीडिंग कमर्शियली प्रोड्यूस हाइब्रिड्स इन डिफरेंट क्रॉप्स लाइक मेज सोरगम कॉटन पर्ल मिलट यानी बाजरा राइस

तो हमारे पास जब हम कैपिटल आर से से क्रॉस करेंगे तो सारे फर्टाइल हो जाएगा रिस्टोरे लाइन के साथ करेंगे तो तो इसलिए जो है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में भी काम आएगा सी डी एम एस इज़ एट प्रेजेंट कमर्शियली द एक्सेंस एक्सटेंसिवली यूज मेल स्टेराइल सिस्टम यस अब लिमिटेशन ऑफ द सी एम एस एंड सी एम एस क्या हैं मेल्स ट्रायल जनरली प्रोड्यूस अन साइड इफेक्ट्स जो मेल ट्रायल साइडोप्लाजम है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं फॉर एग्जांपल सी एम एस टी इन मेज कॉज अ टू टू फोर परसेंट रिडक्शन इन दील्ड ये में रिडक्शन होती है एंड मेक्स प्लांट ससेप्टेबल टू हेल मिन्थोसपोरियम लीफ ब्लाइट और इस ये फंगल डिजीज है इसके लिए प्लाट को सबल भी बना देता है कि प्लांट जो है ना इस डिजीज़ के ज़्यादा जो है अटैक uh, होता है इन मैनी केसेस फर्टिलिटी रिस्टोरेशन इज़ नॉट सेटिसफैक्ट्री और कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि उसमें जो है ना फर्टिलिटी रिस्टोर जो है ना वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहा इन मैनी केसेस पोलिनेशन ड्यूरिंग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज नॉट सेटिसफैक्ट्री अब पोलिनेशन करनी है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए अब क्या था कि सी एम एस लाइन्स बनाई हमने क्या करना यानी कि जो सेल्फ़ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनको अगर मेल स्ट्राइल बनाएं तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के पोलन इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता कि वो प्लांट के बाहर जा कर दूसरे प्लांट को पोलिनेट कर सके क्यों क्योंकि वो अडाप्ट है सेल्फ पोलिनेशन के लिए वो पोलन वो जो है इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो बना नहीं है तो इसमें भी ये कुछ इश्यूज आते हैं टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी सो नेक्स्ट हाँ इसमें एक फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी है जिसको बस बताया गया कि फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी में क्या होगा कि एंथस फंक्शन नहीं करेंगे यानी कि सब कुछ हो रहा है सारा कुछ एंथस पोलन भी बना रहा है लेकिन वो क्या हो गया एंथस ओपन नहीं हो रहे एंथस ओपन होंगे तो वो पोलन जो है वो बाहर निकलेगा कि टाइम पर सारा कुछ हो रहा है एंथर्स भी तैयार हैं पोलस भी मेच्योर हो गए हैं वो पोलिनेशन के लिए तैयार हैं लेकिन एंथर ओपन नहीं होगा तो वो ओपन होगा तो वो पोल बाहर निकलेंगे तो वो दूसरे फ्लावर को जाके पोलिनेट करेंगे तो दिस इज अ फंक्शन मेल्सिलिटी कि उसमें एंथर ही ओपन नहीं होगा सो नेक्स्ट इज़ इंड्यूस मेल्सिडिलिटी इसको हम डिस्कस करते हैं सो मेल मेन्सिडिलिटी इसको केमिकली इंड्यूस भी कैमिकल के, इंड्यूस मेलिटी This type of male sterility is induced by the treatment with a certain chemicals and it is non-heritable. Yes. Chemicals that affect the function of the male reproductive organs in plants are called male gametocytes, male sterilants, selective male sterilants, pollen suppressants, pollinoside, androcyte. Yeah, different terms. Eh? So in 1985. मैक्रेजेटेड द यूज ऑफ सिंगल टर्म केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट्स सी एच ए टू अवॉयड कन्फ्यूजन एंड मल्टीप्लीसिटी ऑफ टर्म्स तो मैक्रे ने यह टर्म यूज़ की सी एच ए कैमिकल हाइब्राइजिंग एजेंट की कन्फ्यूजन okay, को दूर करने के लिए तो so, एडवांटेज के एनी लाइन कैन बी यूज एज अ फीमेल पेरेंट क्यों क्योंकि हम जिस भी पेरेंट को जिसको भी हमने फीमेल लेना है जिसको मेल लेना है हमें पता है हम हमारा यहाँ के प्लांट में कोई जेनेटिकली उसे मेल मेलिटी नहीं है हम कोई लाइन लेना चाहते हैं उसको हम अगर फीमेल बनाना चाहते हैं तो हम उसको केमिकल अप्लाई करके उसको मेल स्टेराइल कर लेंगे और कोई भी यानी कि हम प्लांट फीमेल ले सकते हैं कोई भी मेल ले सकते हैं हमें कोई इशू नहीं है लेकिन बाकी जो जेनेटिक स्टेडिलिटी uh, थी मेल स्टेडिलिटी उनमें हमें हमारी मजबूरी थी कि हमने फीमेल जो है वो मेल स्टेराइल को फीमेल ही ले सकते क्योंकि उसको मेल यूज़ नहीं कर सकते थे इसमें क्या केमिकल में हम किसी को भी जो है ना अपनी मर्जी से मेल फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं <coughs> the choice of parent for production is entirely flexible and breeder can order any outstanding cross combination into hybrid seed production program ye wohi baat maine kar di ki apni marzi hai koi bhi cross bana sakte kyunki isme hamare paas limitation nahi hai ki hum हमारे पास, हम पास जो male sterile है उसी को हमें female रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो हमारा दिल करता है कि जिसको male sterile रखना चाहिए हम उसको कैमरे apply अप्लाई करके उसको मेल स्टेराइल कर लेंगे मेंटेनेंस ऑफ पेरेंटल लाइंस बाय सेल्फ पोलिनेशन और क्योंकि इसमें हमारे पास कोई ऐसा भी नहीं है कि पेरेंटल लाइंस जो है वो, वो उसमें मेल से का जीन तो नहीं है ना ही वो हेरिटेबल है तो हम पेरेंट्स को सेल्फ पोलिनेट करके उनको मेंटेन भी कर सकते हैं और जब हमने जब भी मेल से को इंड्यूस करने है, तो हम कैमिकल अप्लाई करके इंड्यूस कर लेंगे तो वो हेरिटेबल नहीं होंगी पेरेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे उसमें मेल भी होगा फीमेल भी होगा स्टीराइल नहीं है जब हमें स्ट्रेल करना होगा तब हम केमिकल अप्लाई करेंगे वो भी हेरिटेबल नहीं है प्रोजेनी में नहीं आएगा सी एच ए बेस्ड एफ टू फुली फर्टाइल और फर्टाइल भी होंगे क्यों क्योंकि उसमें जो तो, मेल स्टेडिलिटी थी वो जीन्स में नहीं आई वो सिर्फ उसके एंथर्स को डिस्टर्ब करेगा उसके पॉलिंग्स को डिस्टर्ब करेगा जीन्स में नहीं आई डिसडवाटेज भी हैं उनको हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ सी एच ए इंड्यूस मेल स्टेडिलिटी इज स्टेज एक्सप्रेशन जो है वो ये अगर हम इंड्यूस करेंगे मेल स्टेडिलिटी की तो वो किसी खास स्टेज पे जो है स्टेज पे वो एक्सप्रेस करेगी क्योंकि ये स्टेज स्पेसिफिक है सी एच एज आर जीप जिनोटाप डोज एंड एप्लीकेशन स्टेज स्पेसिफिक कि कोई ख़ास ये चीज जो है वो खास जिनो के लिए होगा उसकी खास डोज पे काम करेगा और किसी खास स्टेज पे ही काम करेगा इनकम्प्लीट मेल स्टेडिलिटी माइट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ सीड ऑन फीमेल पेरेंट वुड रिड्यूस हाइब्रिड सीड प्योरिटी इनकम्प्लीट मेल स्टिलिटी कैसे होगी ये भी इसका नहीं नहीं है कि इसमें इनकम्प्लीट मेल स्टेलिटी हो सकती है कि केमिकल की जहाँ डोजेज हमने प्रॉपर नहीं दे पाए तो वो मेल स्टिलिटी हुई कुछ हुई यानी कुछ प्लांट्स भी होगी हमने लाइन लगाई लाइन एक हमने लगाई हुई है लेकिन उसमें कुछ प्लांट्स में स्टेडिलिटी होगी कुछ में रहेगी इनकम्लीट स्टेडिलिटी रहेगी तो उसमें क्या होगा कि हमने तो अपनी तरफ से क्रॉस करा के हाइब्रिड बना रहे थे लेकिन अंदर में कुछ में मेल स्टिलिटी नहीं हुई मेल्स फर्टाइल रह गए हैं तो वो सीड जो है ना उनका सेल्फ होके खुद सीड उनका बन जाएगा तो हमारे पास उस रिज़ल्ट जो है हमारे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे रिज़ल्ट हमारे वो ख़राब हो जाएंगे क्यों क्योंकि उसके अंदर उसका uh, जो इनकम्प्लीट मेल स्टेराइल रह गए हैं वो उसमें कुछ फर्टिलिटी रह गई है तो वो हमारे कम्बिशन को खराब करेंगे मैनी सी आर टॉक्सिक टू प्लांट्स एनिमल्स ये जो है ना ये टॉक्सिक भी होते हैं अनसरटेन सी एच इज मे इंटरफेयर विद सेल डिविजन और जब ह्यूमन प्लांट को फीड करेगा करेगा तो वो ह्यूमन को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल है हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर में ये कंक्लूजन है कि मेल स्टेरिलिटी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है लेकिन हर डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट मेथड्स के एडवांटेजेस भी हैं और उनके लिमिटेशंस भी हैं तो हम अपने क्रॉप हम अपने हम देखेंगे कि हमें हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हमें चाहिए क्या उसके मुताबिक हम वो मेथड अडॉप्ट कर लेंगे तो आज के लिए इतना ही السلام عليكم ورحمه الله وبركاته